नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग की घोषणा कर दी गई है। साउथ अफ्रीका के एडम माक्रम को 3 स्थान का फायदा हुआ है और वो तीसरे नंबर तक पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के डेविड मलान काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एरन फिंच को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वो 4th स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन फॉर्म में दिखे और वो 5वें नंबर पर आए हैं। केएल राहुल को 3 स्थानों का फायदा हुआ है और वो 5वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को नुकसान हुआ है और T20 रैंकिंग में 8वें पायदान पर खिसक गए हैं। 6ठे स्थान में कोहली से आगे मोहम्मद रिजवान और डेविन कॉनवे मौजूद हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग के अलावा ताज़ा गेंदबाजी रैंकिंग में श्रीलंका के वनुंदु हसरंगा पहले नंबर पर काबिज हैं। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के स्पिनर तब्रेज शमसी मौजूद हैं। सबसे हैरानी की बात यह कि T20 रैंकिंग में टॉप 5 गेंदबाज स्पिनर हैं। इंग्लैंड के आदिल राशिद तीसरे पायदान पर, जबकि T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो माना जा रहा था कि इस फॉर्मेट में स्पिनरों की खूब धुनाई होगी, लेकिन T20 क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हैरान कर रखा है। यही नहीं, 4थे नंबर पर स्पिनर राशिद खान और 5वें नंबर पर एडम जंपा मौजूद हैं। 6ठे पायदान पर मुजीबुर रहमान का नाम शामिल है। इसके साथ साथ ऑलराउंडर रैंकिंग्स की बात करें तो अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले नंबर पर हैं। शाकिब अल हसन को 1 पायदान का नुकसान हुआ है और वो 2रे स्थान पर खिसक गए हैं। श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ऑलराउंडर की सूची में 3रे पायदान पर है। वनिंदु हसरंगा गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले स्पिनर हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की सूची में 3रे स्थान पर हैं। आपको बता दें, हसरंगा ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान हैट्रिक लेने का भी कमाल किया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।